सो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तक कैसे आप सभी लोग, होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या चाहे आप एक राइटर हो, चाहे आप लाइक एंटरप्रेन्योर हो, या आपने रिसेंटली कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, या किसी भी फील्ड में हो, मतलब कि सिंपली आपने एक मकसद है आपके सामने, आपके नज़रों के सामने एक गोल है एंड आप उस गोल को अचीव करना चाहते हो एंड उस मकसद को हासिल करना चाहते हो एंड खुद को एक सक्सेसफुल इंसान देखना चाहते हो लाइफ में, तो ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैंने रिसेंटली ये चीज़ पढ़ी, मैंने रिसेंटली इस चीज़ को कहीं से देखा, लेटर ऑन मैं बता दूंगा कहाँ से देखा, एंड मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ये एक एक फिलॉसफी है, ये एक साइकोलॉजी है एंड इसको मैं क्या बता दूंगा, उसने डायरेक्टली जिसने ये अप्लाई की है, तो इसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेम्स। अभी इंग्लिश पे मत जाओ, ठीक है, मैं सिंपली समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब आप ये वीडियो देखोगे आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि करना क्या है, आपको एग्जाम जो क्वालिफाई करना है वो कैसे करना है, आपने जो मकसद बनाया है लाइफ में वहां तक पहुंचना कैसे है। लेकिन हमने बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि हमने खुद को कन्विंस किया हुआ है कि शायद जो दुनिया के सक्सेसफुल इंसान है, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कामयाबी के मंजिलों को पार किया हुआ है, शायद उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े डिसीजंस लिए थे, शायद उन्होंने अर्थ शेकिंग डिसीजंस लिए एंड कुछ ऐसे काम किए जिन्होंने तहलका मचा दिया एंड उस वजह से वो सक्सेसफुल बन गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो एक थ्योरी को यूज करते हैं, वो एक थ्योरी को अप्लाई करते हैं एंड बिलीव मी, अगर आप भी करोगे, मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी करूंगा, बिकॉज मैं भी खुद को एक लर्नर ही समझता हूँ, लर्नर हूँ ही ऑब्वियसली, एंड मैं भी चाहता हूँ कि मैं रोज़ बरोज कुछ ना कुछ चीज़ें सीखूँ। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों को अपनी अपने लाइफ से निकाल दीजिए एंड ट्राई टू, अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहोगे तो इसको पॉजिटिवली यूज़ करो, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट मत कर लेना इन चीज़ों में फजूल के, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं खामखा, एक अवर चले जाते हैं, दो अवर चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता है, ठीक है। सो मैं सिंपली बता दूंगा एंड लाइक इसको लाइक स्टार्ट में करता हूँ एक स्टोरी से। तो ये स्टोरी है ब्रिटेन की। ब्रिटेन में जो साइकिलिंग की टीम होती थी, बिकॉज वहाँ पे कल्चर होता था कि साइकिलिंग के रेसेस में पार्टिसिपेट करते थे हर कोई कंट्री, ठीक है। ब्रिटेन में भी उन्होंने एक टीम बनाई, उन्होंने बहुत साइकिलिंग की टीम बनाई और ये 1903 की बात है। सो 1903 से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे जो भी वर्ल्ड के चैंपियनशिप्स होते थे, चाहे ओलंपिक्स में जाते थे या चाहे टावर द फ्रांस। टावर द फ्रांस एक साइकिलिंग की रेस है जो बहुत बड़ी रेस है, ये 23 डेज की रेस होती है, ये फ्रांस के इर्द गिर्द कंट्रीज के थ्रू जाती है, इसमें 21 फेजेस है, तो बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस है ये। तो ब्रिटेन भी इसमें पार्टिसिपेट करता था, 1903 से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे 2003 तक उन्होंने बस एक गोल्ड मेडल जीता। 100 साल में ब्रिटेन ने बस एक गोल्ड मेडल जीता, बाकी कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती, कोई ओलंपिक मेडल नहीं जीता, कोई टावर द फ्रांस नहीं जीता, बस एक कहीं से उन्होंने जीता था। तो उस वजह से ब्रिटेन में क्या हो गया, जो साइकिलिंग की कंपनीज थी उन्होंने साइकिल्स बनाने बंद कर दिए इन साइकिलिस्ट्स के लिए, बिकॉज उनको तो पता था ये तो फेल हो रहे हैं ना, ये हर रोज फेल हो रहे थे, हर साल फेल हो रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हमारी रेपुटेशन खराब होती थी हमारी कंपनी की, सो हम साइकिल्स नहीं बनाएंगे इन साइकिलिस्ट्स के लिए। तो लेकिन एक डिसीजन हो गया, 2003 की बात है, 2003 में एक नया डायरेक्टर लाया गया इन साइकिलिस्ट्स के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका नाम था डेव ब्रेलसफोर्ड। तो डेव ब्रेलसफोर्ड ने क्या किया, डेव जे जो था डेव ब्रेलसफोर्ड, इसके टेनर में, जब इसके 14 ईयर्स के टेनर में, यानी 2003 से लेके 2017 तक, ठीक है, इस टेनर में उसने 170 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। 14 साल में, पिछले 100 साल में एक गोल्ड मेडल कहीं से जीता था, लेकिन इसके जो ये इनकी निगरानी में हो रहा था, इनकी डायरेक्शन में हो रहा था, मतलब ये ही वाज काइंड ऑफ ए कोच एज वेल, इसकी कोचिंग में उन्होंने 170 चैंपियनशिप जीती वर्ल्ड की, वो भी 14 साल में, एंड 66 ओलंपिक मेडल जीते एंड 5 टावर द फ्रांस जीते। यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन ऐसा हुआ, जो 100 साल में नहीं हुआ उसने वो 14 सालों में करके दिखाया। 170 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, 66 ओलंपिक मेडल्स, 5 टावर द फ्रांस,
तो ब्रेलसफोर्ड से पूछा गया कि कैसे किया, तो उसने बोला कि मैं एक थ्योरी पे यकीन करता हूं जिसको बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। तो ये थ्योरी कैसे काम करती वही मैं आपको समझाऊंगा। तो इसने बोला कि जो ही मैं एज ए कोच ज्वाइन किया, एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया, तो सबसे पहले मैंने हर एक एस्पेक्ट में थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट कर दी, हर एक एस्पेक्ट में। वो बोल रहे हैं 1% इंप्रूवमेंट। जो भी आपका सिस्टम है उसमें देखो कौन कौन सा एस्पेक्ट है। तो अपने बिजनेस में या चाहे आप किसी भी यू नो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे आप राइटिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, उसमें देखो कि आपके फील्ड में कितने एस्पेक्ट्स हैं जहां पे आप इंप्रूव कर सकते हो। उसने बोला कि सबसे पहले मैंने इनकी सीट्स चेंज की जिसमें वो बैठते थे, सो दैट कि ये कंफर्टेबल फील करे। उसने बाद में बोला कि मैंने जल्स लाई, मैंने बहुत सारे जल्स ट्राई की जिससे इनकी मसल्स थोड़ी रिलैक्स हो जाए। उसने बोला मैंने इनको इलेक्ट्रिकली जो कनेक्टेड वो जो शॉर्ट्स वॉट्स वगैरह है, सो दैट कि ये अच्छा फील करे, हॉट फील करे। एंड एट द सेम टाइम उसने ये भी चेक किया कि इनको ऐसे डॉक्टर्स प्रोवाइड करें जो इनको सिखाए कि बीमार कैसे नहीं पड़ते हैं, ओके कैसे कौन सा गजा खाना है, कौन सा नहीं खाना है, स्लीपिंग टाइम क्या रखना है, स्लीपिंग टाइम क्या नहीं रखना है, पिलोज कौन से यूज करने, मैट्रेसेस कौन से यूज करने हैं। आपको यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो इसने हर एक एस्पेक्ट में थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट लाई एंड रिजल्ट आपके सामने। तो इसी को तो थ्योरी बोलता है एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। आप जो भी आप काम कर रहे हो उसमें देखो कि कहां से पॉसिबिलिटी है आपको इंप्रूव करने की। अगर आप हर एक एस्पेक्ट में थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करोगे रेगुलर बेसिस पे, आप देखोगे कि रिजल्ट जो होंगे वो एस्टोनिशिंग होंगे, वो खतरनाक रिजल्ट होंगे। आप यकीन नहीं करोगे, ये मैथमेटिक्स है। अगर आप अपने हर एक एस्पेक्ट में 1% का इंप्रूवमेंट करोगे रेगुलर बेसिस पे एवरीडे, यू वुड बी 37 टाइम्स मोर पावरफुल वर यू स्टार्टेड। अगर मैंने कोई सिस्टम आज स्टार्ट किया, अगर मैं हर एक दिन 1% इंप्रूवमेंट करूंगा, 1% कितना होता है, कभी कभी तो ये तो मुझे लगता है कभी फील भी नहीं होता 1% का इंप्रूवमेंट। 1% इंप्रूवमेंट किया एक दिन, सेकेंड दिन 1% और, थर्ड दिन 1% और, फोर्थ दिन 1% एंड आप यकीन नहीं करोगे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर यू वुड बी 37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। लेकिन एट द सेम टाइम उसी तरह अगर आप 1% का प्रॉब्लम करोगे, 1% का डिमोशन करोगे, इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, खराबी करोगे, 1% की थोड़ी सी खराबी करोगे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे खराबी करोगे, एक साल में आप वही होंगे जहां से आपने स्टार्ट किया है। यही तो है, जैसे आप एजुकेशन में इस टाइम आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, हर एक दिन कोशिश करो कि मैं कल से बेहतर हो जाऊं 1%, कल से बेहतर हो जाऊं बायोलॉजी में 1%, कल से बेहतर हो जाऊं फिजिक्स में 1%, केमिस्ट्री में 1%, फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने में, याद रखने में 1%, ओके प्रॉब्लम सॉल्विंग में 1%, इंक्रीज करो एवरी डे 1% एंड यू विल गेट शॉक्ड आफ्टर द रिजल्ट्स, यू नो, जो आपके एक साल के बाद आ जाएंगे। बस यही कहना था, कोशिश करो जो भी आपके जो जिस सिस्टम में इस टाइम आप हो, ठीक है, कोशिश करो कि हर एस्पेक्ट में 1% का इंप्रूवमेंट करना। आप देख लेना एक साल, दो साल, तीन साल बाद देखोगे खुद को एंड यू विल सी कि आप बहुत आगे गए हो। ओके, दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।